नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश के महुआ में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है। मनीष दुबे के खिलाफ ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने गंभीर आरोप लगाए थे। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने मनीष दुबे की पत्नी के साथ संबंधों पर सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था कि मनीष दुबे ने ज्योति के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है। डीआईजी होमगार्ड प्रयागराज से पूरे मामले की जाँच कराई गई। डीआईजी ने अपनी जाँच में मनीष दुबे पर कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इस मामले में मंत्री ने भी होमगार्ड के प्रधान सचिव की कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अब होमगार्ड विभाग की ओर से मनीष दुबे को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया गया है। इसके अलावा मनीष दुबे के खिलाफ विभागीय जांच का भी निर्णय लिया गया। इस केस में मनीष दुबे की नौकरी पर भी खतरा मंडराने लगा है। उपर मुख्य सचिव अनिल कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया, आलोक मौर्य की शिकायत पर मनीष दुबे के खिलाफ जांच कराई गई। डीआईजी होमगार्ड ने जांच की प्रक्रिया को पूरा किया। डीआईजी होमगार्ड की जांच रिपोर्ट पर महासमादेष्टा ने मनीष दुबे को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई गठित करने की अनुशंसा की। महासमादेष्टा की अनुशंसा पर महोबा में जिला कमांडेंट मनीष दुबे को तत्कालीन प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ अनुशासित कार्रवाई गठित की गई है। होमगार्ड के डीआईजी मुख्यालय विवेक सिंह को जांच अधिकारी नामित किया गया है। आपको बता दें, मनीष दुबे के खिलाफ शिकायत साबित होने की बात सामने आई है। इस मामले में डीआईजी की जांच में जिन आरोपों को आलोक मौर्य ने लगाया उसके सही होने की बात कही जा रही है। सरकार की ओर से तमाम पहलुओं और जांच रिपोर्ट पर आधार पर ही कार्रवाई की गई है। मनीष दुबे को सस्पेंड करते हुए होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ से अटैच कर दिया गया है। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने मनीष दुबे पर गंभीर आरोप लगाया था। आलोक मौर्य ने अपने शिकायत पत्र में मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बीच संबंधों का आरोप लगाया था। इसको लेकर उन्होंने खुद की हत्या की साजिश भी रचने का यहां पर बड़ा आरोप लगाया था। साथ ही यह भी आरोप लगाया था कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इससे संबंधित कागजात भी पेश किए जाने का दावा आलोक मौर्य की ओर से किया गया और अब यहां पर बड़ा एक्शन जो है अधिकारियों की तरफ से लिया गया। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन9 न्यूज़। धन्यवाद।